इस मूवी की दो बातें मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। एक तो ये कि ये 77 मिनट्स की है मात्र, और दूसरी ये इसमें ये बताया गया कि चाइना जो है वो बहुत घटिया देश है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लंदन कॉन्फिडेंशियल मूवी के बारे में, जिसे G5 पर रिलीज किया गया है और इसके अंदर कास्ट है मौनी रॉय, पूरब कोहली, किरण जोगी और बाकी अन्य कलाकार। अब इस मूवी की कहानी पर आते हैं। देखो, लंदन में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें भारत और चीन और बाकी अन्य देश भी जो है इसमें शामिल होने वाले हैं, और चीन जो है वो अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आता, ऐसा दिखाते हुए इन्होंने बताया कि कोरोना वायरस जो चीन ने पूरी दुनिया के अंदर फैलाया, अब इसके बाद एक भयंकर वायरस जो है वो लेकर आया है, और इसको लेकर चीन और भारत अपनी अपनी जो सेना है वो बॉर्डर पर ले आए हैं, आमने सामने खड़े और युद्ध होने की कगार पर है। देखो, फिल्म मेकर्स ने एक बड़ी अच्छी चाल चली है। उन्होंने ये चाल चली कि उन्होंने कोरोना वायरस जो अभी हाल फिलहाल में चल भी रहा है उसका नाम लेकर लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। खैर, अच्छी बात है। इस बहाने चाइना का नाम तो लिया कि चाइना ने जो है वो पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस फैलाया और उसकी वजह से पूरी पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो तहस नहस हो गई है, और अब नए नए वायरस वो लेकर आ रहा है। अब देखो यार, चीन वाले जो लोग हैं वो पता नहीं क्या क्या किस किस का सूप पीते हैं, चमगादड़ का कभी सूप पीते हैं यार, ये लोग पता नहीं यार क्या है। खैर छोड़ो यार, वापस आते हैं कहानी के ऊपर। लंदन में जो है वो रोके एजेंट से उनको पता चलता है कि चीन कुछ ऐसी हरकत करने वाला है, और वहां पर एक रोके एजेंट है बीरेन घोष, उनके हाथ में एक चाइनीज पर्सन है, उसके सहारे वो पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि चाइना की जो मंशा क्या है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, और एक तरीके से चाइना को बेनकाब करना चाहते हैं। लेकिन चाइना वाले जो उनके जो एजेंट्स वहां पर मौजूद होते हैं लंदन के अंदर ही, वो बीरेन घोष को वहां पर कत्ल कर देते हैं। और इस केस को लीड कर रही उमा कुलकर्णी को अब ये पता लगाना होता है कि बीरेन घोष का कत्ल कैसे हुआ, चाइनीज लोगों को पता कैसे लगा कि भाई उनको कोई चाइनीज पर्सन है उनकी मदद करने वाला है, और साथ ही साथ उस चाइनीज पर्सन की इनको बचाना भी है, उनको अपने साथ लेके भी आना है। और जब इन चीज की इन्वेस्टिगेशन वो शुरू करती है, उनको पता चलता है कि उन्हीं की जो रो में एक कोई गद्दार छुपा हुआ है जिसने ये सारी इन्फॉर्मेशन जाके चाइना वालों को पकड़ा दिया। इस मूवी के अंदर इतना ज्यादा सस्पेंस नहीं, और ये इतना ज्यादा इंटरेस्ट बिल्ड अपने अंदर करवा नहीं पाती। देखो, मैंने कहा स्टार्टिंग में कि इसके मेकर्स बहुत अच्छी चाल चली है। पहली चाल ये चल दी कि इन्होंने 77 मिनट्स की एक मूवी बना डाली, जिससे क्या होता है कि मूवी कब शुरू होती है और कब खत्म होती है इसका पता ही नहीं चलता, बहुत तेज तेज चलती हुई हमें नजर आती है। और दूसरी ये चीज कि भारत और चीन के जो रिलेशन है वो ऑलरेडी बहुत खराब दशा में चल रहे हैं, उस चीज का इन्होंने फायदा उठाया, और चीन जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, जब चाहे देश के भारत की सीमा के अंदर चला आता है। खैर, लास्ट टाइम में इनके जो टेंट वेंट है सब उखाड़ के भारत की सेना ने फेंक दिए थे, जिससे ये चीन जो बिल्कुल हिल गया था। कोई ना, एक अच्छी बात है, इसके बहाने चीन का मजा लेने को भी मिल गया। अब इसकी परफॉर्मेंस पर आते हैं। देखो यार, इसमें जो मौनी रॉय है उनको एक प्रेग्नेंट महिला का किरदार मिला है। अब मुझे यार ये समझ नहीं आया उनको प्रेग्नेंट क्यों दिखाया गया। मैंने स्टार्टिंग में ये सोचा था कि ये जो मूवी कहानी जो मूवी आई थी विद्या बालन जी की, मुझे लगा कि यार उनका जो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ रोल इसके अंदर होने वाला है, उसकी कोई स्टोरी ऐसी होने वाली है, बट नहीं यार, जब मूवी भी पूरी खत्म हो जाती है तो भी कुछ भी पता नहीं होता। मैं बस कंफ्यूज हूं कि यार उनको प्रेग्नेंट दिखाने के पीछे क्या कारण था। आई थिंक वो एक बिना वजह का इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। और बाकी अन्य कलाकारों की बात करूं तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस है वो ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है, और इस मूवी में यार सच में इसको और थोड़ा बेटर किया जा सकता है, इसके अंदर एक्शन डाले जा सकते थे, इसके अंदर सस्पेंस अच्छा डाला जा सकता था। कुछ जगह आप लोगों को लगेगा यार इसमें कुछ फेकपन है, ऐसा नहीं हो सकता, तो वो चीजें हटाकर कुछ एड ऑन चीजें करके इसको इंटरेस्ट बनाया जा सकता था। ओवरऑल इस मूवी की बात करूं तो एक डिसेंट मूवी है, एक नॉर्मल कहानी के साथ है। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 5 out of 10 स्टार। अगर किसी ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को मूवी कैसे लगी। खैर, बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।